I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People upon which I'm about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो। कि शपथ की एक मान्यता रहती है, शपथ के आगे पहले आप सीनियर व्यक्ति कुछ ना बोलो। शुरू करूं? I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो। चलिए, आज आपने देखा होगा कि एक और तो पूरा देश का संपूर्ण विपक्ष संसद लोकसभा के अंदर जब स्पीकर पद पर आदरणीय माननीय श्री बिरला जी का चयन हुआ तो उसके बाद उनको बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने स्पीकर के पीठ के माध्यम से एक ऐसी बात कहलवाई जिसमें राजनीति देश की हाउस के अंदर का बिगुल माननीय अध्यक्ष पद के मुख से सरकार ने बदवाने का काम किया और एमरजेंसी की बात आई। अगर आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी देश के लाखों उन शहीदों को, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 75 का युद्ध, जिन्होंने अपनी छाती में देश के लिए अपनी सीमा पे गोलियां ली, आज उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। अगर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, अगर सिद्धांत याद किए जाने चाहिए थे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, आज शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और असंख्य रानी लक्ष्मीबाई जी को, झांसी की रानी को आज हम श्रद्धांजलि दे सकते थे। 1857 से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन असंख्य लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी, सर्वोत्तम बलिदान किया, उनको श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, देशभक्ति को याद किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, मैं समझता हूँ कि ये किसी को भी, इस बात से सरकार की नीयत भी दिख गई कि ये सरकार इस जनादेश से सबक लेने वाली नहीं है। जिस जनादेश में सरकार की तानाशाही को बड़ा झटका लोगों ने दिया है, इस जनादेश से सरकार सबक लेने वाली नहीं है, ये उसी तानाशाही प्रवृत्ति से आगे बढ़ेगी।